दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना। बुआ जी और आपकी सेवा में। हमारे साथ एक खास मेहमान है, एक अतरंगी सतरंगी और मस्त रंगी एक शख्स जिनका नाम है कंडोम बाबा। बुआ जी और मुन्ना के साथ सारे सुनने वालों को कंडोम बाबा का प्रेम और स्वस्थ भरा प्रणाम। प्रणाम। आप हमारे सुनने वालों को सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम कंडोम बाबा कैसे पड़ा? ना 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 ना, ये नाम पड़ा नहीं है, स्वयं मैंने रखा है। इसकी कोई खास वजह बाबा? बुआ जी, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता मगर कंडोम और स्वास्थ्य में गहरा कनेक्शन है। कनेक्शन? वो कैसे बाबा? सबसे बड़ी बात, ये एक गर्व निरोधक है मगर साथ ही साथ ये रक्षा कवच भी, जो हमें बीमारियों से बचाता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो शारीरिक संबंध करने से हो सकती हैं, मगर कंडोम के इस्तेमाल से इस रोग संचार से हमें पूरी सुरक्षा मिलती है, फिर चाहे वो मियां बीबी क्यों ना हो। मियां बीबी के बीच भी? खास कर मियां बीबी के बीच, इसलिए मैंने मस्त बंदी नाम रखा है। मस्त बंदी? यानी नसबंदी का फायदा बिना नसबंदी के। समझ लो, कंडोम वो अनार है जो 100 बीमारियों को भी पूरा पड़ेगा। ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। बुआ जी, आपको तो पता है कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार लगातार जुटी हुई है इसके समाधान में, उसका भी कनेक्शन कंडोम से है। पोषण और कंडोम का क्या कनेक्शन बाबा जी? हमारे देश की एक सच्चाई, हमारे लोग बड़ी तादाद में कम उम्र में शादी कर लेते हैं, खास करके महिलाएं। इसके फलस्वरूप महिलाएं कम उम्र में मां बन जाती है, जिसका शरीर पूरी तरह तैयार नहीं होता। अच्छा, कैसे? गणित सीधा है, हमारी बच्ची मां बनेगी तो औलाद तो कमजोर पैदा होगी ही। कुपोषण का ये बड़ा कारण है और इसका निवारण है कंडोम। बेशक, इसलिए जैसे हम लड़कों को कहते हैं, घर बसाने से पहले अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, मैं लड़कियों से एक बात कहना चाहता हूं, मां बनने से पहले अपने शरीर को अपने पैरों पर खड़े होना सिखाओ। बाबा, आपने इतनी सारी जानकारियां कहां से हासिल की? दरअसल मैं एक डॉक्टर हूं, घर घर में कंडोम की जानकारी फैलाने में मैंने ये बाबा का वेश धारण किया है। लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? भाई, डॉक्टर के पास बीमार आता है मगर बाबा के पास सारे आते हैं, तो मुझे उन लोगों तक पहुंचना है जिनको कम जानकारी होने की बीमारी है। कम जानकारी? अरे बाबा, कंडोम की जानकारी किसे नहीं है। हैरान हो जाओगे मुन्ना, मेरा एक पेशेंट है, मैंने उसको कंडोम इस्तेमाल करने के लिए कहा था क्योंकि वो और उसकी जोड़ो दोनों एक साल तक उनको औलाद नहीं चाहिए थी, और एक महीने के बाद वो रोते और चिल्लाते हुए आया कि मेरी जोड़ो पेट से है। कंडोम इस्तेमाल करने के बाद भी? जी हाँ, कंडोम इस्तेमाल करने के बाद भी। अरे नहीं नहीं बाबा, ये तो लगभग नामुमकिन है। अरे हुआ ये, उनको पता ही नहीं था कि कंडोम कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बुआ जी, दुनिया में इतने मासूम लोग भी हैं? बाप रे बाप। जैसे हम गांव में जाके सबको समझाते हैं, मैं कंडोम को अपने अंगूठे में डाल के उसको दिखाया कि कंडोम को ऐसे डाल के इस्तेमाल किया जाता है। लो कर लो बात, महाशय ने शारीरिक संबंध के बाद कंडोम तो लगाया मगर
अंगूठे में। बाप रे बाप, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, अंगूठे। और बच्चा हो गया। वो तो नहीं था। आखिर क्या बताओ, शारीरिक संबंध के बारे में हर कोई जानता है, मगर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई नहीं जानता। आधी जानकारी हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खास करके महिलाएं। कोटी कोटी सावधानियों के हैं बड़े बड़े फायदे, ये हम सबको समझना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए हम सब बोलेंगे कंडोम बाबा की जय। दोस्तों, असली बाबा वही जो असल में सबका उद्धार करे। हाँ तो दोस्तों, ये चर्चा हम जारी रखेंगे और आगे कंडोम बाबा से फिर मिलेंगे और मस्त बंदी के बारे में और आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसी बात पर बुआ जी और मुन्ना अब लेंगे सबकी खैर। सच से अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर।